आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी इंडियन वेडिंग वेयर की ऐसी कलेक्शन जो आपके लिए परफेक्ट है अगर आप एज अ वेडिंग गेस्ट कहीं जा रहे हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई ऑल्सो होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो की डोपामिन फैशन के ऊपर थी। ये टर्म क्या है और कैसे आपके मूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है फैशन या क्लोदिंग, उसके बारे में जानने के लिए मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले ये येलो शरारा सेट जो कि हल्दी के लिए परफेक्ट है। इसका ओवरऑल एक ही कलर हमने यूज किया है। दो जो तीनों फैब्रिक्स हैं, कुर्ता शरारा और दुपट्टा, वो अलग हैं। तीनों की एम्ब्रॉयडरीज अलग हैं। शरारा और जो दुपट्टा है वो जॉर्जेट में बनाया गया है। कुर्ता का फैब्रिक चिनॉन शिफॉन है। क्योंकि एक इंटायरली एम्ब्रॉयडर्ड गार्मेंट है ये, हमने यहाँ पे इसमें कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शनल डिटेल नहीं डाली। सिर्फ इसमें सेम कलर के पोटली बटन्स हैं एंड दुपट्टा के साथ किनारी दी गई है, दैट्स इट। बाकी इसका कलर वाइब्रेंट है, हेविली एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके अलावा आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा डिजाइन को एड करने की जरूरत नहीं है। इसमें तीन टाइप की एम्ब्रॉयडरीज का इस्तेमाल किया गया है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेन वर्क एंड जरी वर्क। अगर वेडिंग थीम आपको अलाउ करे तो आप यहाँ पे फ्लावर ज्वेलरी को कैरी कर सकते हैं इस आउटफिट के साथ, और आपका हेयर डू एक ब्रेड हो सकती है जिसे अगेन आप फ्लावर्स के साथ एक्सेसराइज कर सकते हैं। फॉरेस्ट ग्रीन कुर्ता सेट जो कि परफेक्ट है आपके संगीत के लिए। इसमें पूरा जो वर्क है वो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड मिरर वर्क है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो हमने एक पिक्चर वहां पे शेयर की थी जिसमें हमारे एम्ब्रॉयडर हाथ से इस पे कारीगरी कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सेट है। इसका जो कुर्ता है ये एसिमेट्रिकल कुर्ता है। आगे से इसकी लेंथ छोटी है, पीछे से लंबी है, और इसे पैरअप किया गया है एक स्ट्रेट सलवार के साथ। अगर आप ऐसा लुक कैरी कर रहे हैं तो आप अपने दुपट्टा को एक शोल्डर पे ड्रेप कर सकते हैं। आपके जो बाल हैं वो आप सेंटर पार्टीशन करके या उन्हें स्ट्रेट कर सकते हैं, सॉफ्ट कर्ल्स को भी कैरी कर सकते हैं। एंड ज्वेलरी, क्योंकि ये हेविली एम्ब्रॉयडर्ड मिरर वर्क सूट सेट है, तो आप ज्वेलरी सिर्फ ओवरसाइज्ड इयररिंग्स भी इसके साथ पहनेंगे तो वो इनफ होंगे। मेहंदी के लिए आप इस तरीके का प्लीटेड स्लीव ब्लाउज बनवा सकते हैं जिसके साथ प्लीटेड प्लेन शिफॉन स्कर्ट है, और इसके साथ आप एक ब्राइट कलर का दुपट्टा पेयरअप कर सकते हैं। ये पिक्चर्स हमारी रियल ब्राइड की हैं। अब यहाँ पे हमारी ब्राइड ने पहना है, बट जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ब्राइड स्पेसिफिक आउटफिट है। अगर आप एज अ गेस्ट भी जा रहे हैं तब भी मेहंदी फंक्शन पे इस आउटफिट को आप कैरी कर सकते हैं। मेक श्योर मेहंदी पे आपका जो हेयर डू है, आपका जो मेकअप है या एक्सेसरीज है, वो ज्यादा ना हो या इस तरीके से ना हो कि आपको बार बार टचअप करना पड़े। बिकॉज आफ्टर मेहंदी आपके लिए इम्पॉसिबल होगा कि आप अच्छे से टचअप दे सकें अपने हेयर डू या मेकअप को। तो अपनी ज्वेलरी को मिनिमल रख सकते हैं आप, आपके हेयर जो है उन्हें आप टाई कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आपका जो मेकअप है उसे आप मिनिमल रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये एक्वा ब्लू थ्रेड वर्क लहंगा जो परफेक्ट है बारात के लिए। ये इंटायरली जॉर्जेट में हमने बनाया है। इसका जो ब्लाउज है या यहाँ पे ये इसकी लेंथ लंबी है, तो इसकी जो चोली है ये हमने सीक्वन एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक यहाँ पे लिया है। बिकॉज इंटायरली अगर हम थ्रेड वर्क कर रहे थे तो थोड़ा सा वो डल जा रहा था, सो दैट एक हल्का सा ब्लिंग एक्स्ट्रा उसमें एड हो हमने इसकी चोली को सीक्वेन वर्क में लिया है। ऑल्सो क्योंकि ये जॉर्जेट में है और एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट है, इसमें काफी वेट आ जाता है, सो दैट इसमें एक लहंगा लाइक फ्लाउंस आए हमने इसके नीचे कैनकैन को ऐड किया है। ऐसे लहंगा को आप स्टाइल कर सकते हैं पोनी टेल के साथ, मांग टीका एंड विद सम इयररिंग्स, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक लो बन करके ओवर साइज इयररिंग्स के साथ भी इसे पेयरअप कर सकते हैं। ऑल्सो इस लहंगा को बहुत बेसिक रखा गया है ट्रिम्स के नाम पे। इसपे सिर्फ ये हैंडमेड हैंगिंग्स हैं एंड इसके दुपट्टा पे ये बॉर्डर है, एक्सेप्ट दैट कोई एक्स्ट्रा ट्रिमिंग्स की इसमें जरूरत नहीं है।
स्टाइलाइज्ड साड़ी लुक भी कैरी कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई जॉर्जेट में, क्रेप में, नेट में साड़ी है, उसके साथ आप इस तरीके का ऑर्गेन्जा में, प्लेन ऑर्गेन्जा में इन अ डिफरेंट कलर आप बटरफ्लाई विंग ब्लाउज बना सकते हैं। ये लेटर ऑन आप अपने लहंगा के साथ भी पेयर अप कर सकेंगे। अब क्योंकि इसका ब्लाउज इतना स्टाइलाइज्ड है, आपको इसके साथ एक्सेसरीज की जरूरत नहीं होगी, बट स्टिल अगर आपको कुछ पहनना है तो आप एक चोकर सेट इसके साथ पहन सकते हैं। एंड आपके जो बाल हैं उन्हें ज्यादा स्टाइलाइज मत कीजिए, आप उन्हें नीटली टाई कर सकते हैं इन अ लो बन या पोनीटेल। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। इनमें से कुछ डिजाइन हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हैं और बाकी के एक दो दिन में अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको इनको परचेज करना है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अदरवाइज दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर द पर्पज कि आप इन्हें खरीदें। आप इन डिजाइन को देखिए, इन्हें समझिए, इनके फैब्रिक्स आपको यहाँ पे पता चल गए हैं। आप इन तरीके के सिमिलर गार्मेंट्स अपने लिए बनवा सकते हैं या सोर्स कर सकते हैं। अगर आप यू नो रेडीमेड शॉप्स आपको अच्छी पता है तो वहां पे भी आपको इस तरीके के आउटफिट्स मिल जाते हैं। मिक्स मैच करके आप इन लुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।